हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहां पे लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि डेमो वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। और एट प्रेजेंट हमारा यहाँ पे लैब असिस्टेंट का एक लाइव कोर्स चल रहा है, तो आप उसी लाइव कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो उसके पहले आप ऐप में डेमो वीडियोस को जरूर देख लें। तो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, कि आपको अगर कोई यहाँ पे वर्ड दिया जाता है तो उस वर्ड से कितने यहाँ पे अरेंजमेंट बन सकते हैं, यानी कितने ऐसे वर्ड फॉर्म किए जा सकते हैं जिनका मीनिंग निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। तो इसके ऊपर बात करने वाले हैं और वन बाय वन हम यहाँ पे कुछ दो तीन एग्जाम्पल करेंगे और आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो मैं अपने नाम का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ARUN। अगर आपको पता करना हो कि इस अरुण वर्ड में जो यहाँ पे लेटर यूज हो रहे हैं तो इन लेटर का यूज करके हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बना सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बना सकते हैं जिनका मीनिंग निकल भी सकता है और मीनिंग नहीं भी निकल सकता है। विद और विदाउट मीनिंग वाले केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर विद मीनिंग वाले लेंगे तो हो सकता है बहुत कम निकले, राइट। तो यहाँ पे केस आपका लिया जाता है कि ऐसे वर्ड बनाओ जिनका मतलब निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, और ज्यादातर वर्ड में ऐसे होते हैं जिनका मतलब नहीं निकलता है, यू नो इट, करेक्ट। तो देखिए, अगर मुझे पता करना हो कि यहाँ पे अरुण वर्ड में जो लेटर यूज हो रहे हैं उनका यूज करके आप टोटल कितने यहाँ पे अरेंजमेंट बना सकते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपके क्या कितने आपके लेटर हैं, 1 2 3 4 फोर लेटर हैं और सारे डिफरेंट हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होता तो केस अलग होता, रिपीट नहीं हो रहा है तो केस अलग है। तो यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है तो सीधे क्या आएगा, 4 का फैक्टोरियल, और ये आपका आंसर है 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 24 ही आएगा। तो टोटल 24 अरेंजमेंट यहाँ पे बना सकते हैं। अब कोई सोच रहा होगा कैसे निकाल दिया, तो फॉर्मूला आया आपने सीधे, मतलब कैसे, मतलब फील नहीं आया कि कैसे बन रहे होंगे, तो फील मैं आपको दिलाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड बनाने की कोशिश करूँ तो ARUN में सबसे पहला वर्ड क्या है, ए है, और डिक्शनरी में सबसे पहले ए ही आता है, तो ए को अगर हम फिक्स कर दें तो बाकी कितने बचे, RUN, तो तीन बचे। हमें मतलब नहीं है कि कौन सा कब आएगा, हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ए ये है, करेक्ट। अगर मैं सबसे पहला वर्ड बनाना चाहूँ तो हल्का सा हिंट भी देता हूँ कि सबसे पहला वर्ड क्या बनेगा इन चारों को लेकर के, ए, फिर देखो ए के बाद कौन सा आता है डिक्शनरी में, ए के बाद एन आता है, तो यहाँ पे एन लेंगे, और उसके बाद कौन सा आता है, आर आता है, फिर यू आता है, तो सबसे पहला क्या बनेगा वर्ड, ANRU। ANRU का भी मतलब है नहीं है, तभी वर्ड जोड़ा जाता है उसमें, विद और विदाउट मीनिंग कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर वर्ड ऐसे होते हैं इनका मतलब नहीं निकलता है। तो देखिए, ANRU सबसे पहला वर्ड बनेगा, सबसे पहला, राइट। फिर दूसरा क्या बनेगा, इसको शिफ्ट कर दो, यू यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो ऐसे करते करते टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं उनकी हम बात करें, तो आई होप आपको हल्का सा हिंट मिल गया होगा। तो हमें यहाँ पे अभी कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे एक एक करके निकालते हैं कि कितने वर्ड बनने वाले हैं। अच्छा ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं इसमें एक और लेता हूँ ताकि और मजा आएगा। 24 टोटल यहाँ पे अरेंजमेंट बन सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसका 15वां अरेंजमेंट बताओ, इसका 15th वाला अरेंजमेंट बनाओ कि उसमें कौन सा वर्ड बनेगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, पहले एक ही खत्म कर लेते हैं, ए यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, इसको भरने का एक तरीका। अब यहाँ पे तीन लेटर हैं वो डिफरेंट हैं, तो 3 का फैक्टोरियल, उनको आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हैं, राइट, जो बेसिक डेफिनेशन आपको पता है। और कोई रिपीट हो रहा होता तो उससे डिवाइड करते, बट कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कितना आ गया, 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 × 6 = 6, तो 6 केस बने। अब ए के बाद अगर मैं फिक्स करूँ, एक ही सारे खत्म हो गए, अब उसके बाद डिक्शनरी में कौन सा आएगा, एन आएगा, अब एन को फिक्स कर देते हैं। उसके बाद 3 यहाँ पे बचे, 1 2 3, कौन से 3 है वो आपको बताइए, तो इनको अरेंज करेंगे, 3 का फैक्टोरियल यहाँ भी आ गया, यानी ये भी 6 निकलेगा, तो 6 6 12 आप निकाल चुके हो, आप 12 निकाल चुके हो, आपको कहाँ पहुँचना है, 15वें पहुँचना है। तो तीसरा स्टार्ट कहाँ से होगा, तीसरा आपका स्टार्ट होगा किससे, आर से, राइट, तीसरा स्टार्ट होगा आर से। अब आर से हम पूरे निकालेंगे तो उससे भी 6 बनेंगे, क्योंकि हमें 6 तो चाहिए नहीं, क्योंकि 12 में 6 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, बट हमें चाहिए 15वां, तो आप नॉर्मली बना सकते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो आर ये है, अब पहला ए आना चाहिए, दूसरा उसके बाद ए, क्योंकि ए आर फिक्स है, तो इसमें इसमें और इसमें चूज करना है, तो ए के बाद एन, फिर यू, ये हो गया आपका 13th वाला, 12 तो यहाँ तक निकल गई, ये 13th हो गया। चौथा, आर फिक्स रहने दो, अब क्या करो, ए को यहीं पर रहने दो, इन दोनों को चेंज कर दो, यू यहाँ पे, एन यहाँ पे, ये हो गया 14th। अब निकालना आपको 15th है, तो एक काम करो, सॉरी ये अभी ऐसे रहने दो, तीसरा यहाँ से था,
हम ये 13th, ये 14th, अब देखो आर फिक्स, यू एन चेंज कर लिया, अब एक काम करते हैं ए से, अब ए आगे रख के जितने बनने थे बन गए, अब ए के बाद एन को रखो आगे, अब मैंने एन आगे रखा तो पहला ए आएगा और अगला आएगा यू, राइट। थोड़ा आराम से लिख देते हैं, एन यहां पे रखा, ए यहां पे रखा और यू यहां पे रखा, करेक्ट। ये हो गया 15th वर्ड, आई होप आपको ये क्लियर होगा, करेक्ट। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि किस तरह से यहां पे अरेंजमेंट बन रहे हैं, करेक्ट। तो ये आपको क्लियर है। अब देखो यहां पे कोई रिपीट ही नहीं हो रहा था, तो इस तरह से यहां पे अरेंजमेंट बनते हैं। फिर पहले फिर आर के खत्म होने के बाद बारी किसकी आएगी, यू को स्टार्ट में रख के फिर इन तीनों का अरेंजमेंट आप करोगे, तो टोटल ऐसे 24 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। अब मान लीजिए इनमें से कोई वर्ड रिपीट हो रहा, कोई लेटर रिपीट हो रहा होता, अब मैं दूसरा केस कंसिडर कर रहा हूं, दूसरा केस कंसिडर कर रहा हूं। अब जैसे मान लो, ध्यान देना, एक नाम लेते हैं, एक नाम लेते हैं ए आर जे यू एन, सारे डिफरेंट हैं, अमित डिफरेंट हो गए, पूजा ले लेते हैं, पी डबल ओ जे ए। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, पांच आपके क्या हैं, लेटर हैं, तो इसमें टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 5 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना आएगा, 2 का फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि इसमें ओ रिपीट हो रहा है, अगर जे रिपीट हो रहा होता, मान लो जे 3 बार आता तो नीचे इंटू में 3 का फैक्टोरियल, अगर ए 5 बार आ रहा होता तो नीचे 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, जितने भी रिपीट होते रहेंगे उतने फैक्टोरियल से आप नीचे डिवाइड लगाते रहोगे और सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 5 × 4 × 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट, तो 5 × 20 = 60, तो टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे इससे, 60 बनेंगे। अगर आपसे कोई पूछते 50वां अरेंजमेंट निकालो, तो अभी तरीका मैंने आपको बताया, बहुत इजी वे में आप इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप कि अगर कोई आपको वर्ड दिया जाता है और पूछा जाता है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसमें आप निकालो 50th वर्ड, या आपसे पूछा जाता है कि इस वर्ड में जो लेटर यूज हो रहे हैं तो उन लेटर का यूज करके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनाए जा सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीका हो गया निकालने का कि कैसे आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, एन का फैक्टोरियल अपॉन पी का फैक्टोरियल, क्यू का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन, कि जो भी रिपीट हो रहे होंगे उनके फैक्टोरियल से आप इसमें डिवाइड लगा देंगे, तो एक तरीका होता है, करेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो गाइस अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं, कॉन्सेप्ट को डीप में जाके समझना है, तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।